नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। आज ये बिल्कुल ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं और हर एक किसी भी स्टेट का, चाहे वो TGT हो, PGT हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हो, अगर आप बॉटनी वाला सेक्शन है तो उसमें वायरस टॉपिक जरूर होता है, विषाणु टॉपिक जरूर होता है, जहाँ से क्वेश्चनों की भरमार होती है। आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं और हम आपको वही डाटा, क्योंकि हम हमारा जो ऐप है जहां हमारी थ्योरी क्लासेस चलती हैं, हम वही डाटा आपके पास या आपके साथ डिलीवर्ड करते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से 100% इम्पॉर्टेंट हो। हम कदापि ऐसा डाटा डिलीवर्ड नहीं करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से नेसेसरी ना हो और सिर्फ टाइम पास हो। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, तभी लगभग डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के अभी तक जो आप सब जैसा कि जानते हैं 300 मित्र हैं जो कि TGT और PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर में सर में सिलेक्ट हुए हैं, और बहुत सारे मित्र GIC में, आश्रम पद्धति में, बिहार PGT में, और LT जो है आपका उत्तराखंड का, उसमें कई सारे एग्जाम में मित्र हमारे सिलेक्ट हुए हैं। सभी को एक तो ढेर सारी शुभकामनाएं जो पहले से जॉब हमारे मित्र कर रहे हैं, और अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़े। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप इस ऐप को डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, बर्ड्स का आएगा सिंबल, आप उसको डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करेंगे। अकाउंट बनाने के बाद वहां आप देखेंगे 799 का बैच है जो कि यूपी TGT PGT का जो एग्जाम होने वाला तब तक वैलिड रहेगा। 1199 का जो बैच है इसकी वैलिडिटी 1 साल है, और जो 1099 का है इसकी वैलिडिटी 1 साल है, और 499 का जो कि प्रैक्टिस बैच है। आज ही जुड़े, मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन श्योर होगा। इसके साथ आपको मिलने वाला क्या, सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारी आपको MCQ की क्लास अवेलेबल रहेंगी, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा रात को डिस्कशन जो होता है वो अवेलेबल रहेगा। आपको नोट्स की एक लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी जिसमें लगभग 1500 PDF पड़ा हुआ है, वो अवेलेबल रहेगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9452 920 508 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखते हैं विषाणु क्या होता है। भरमार होती है हर एग्जाम जो भी एग्जाम होता है, और उसमें यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे बने हैं अभी तक और बन रहे हैं, काफी 110% इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं विषाणु। तो आप सब जानते हैं वायरस को, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो वायरस को विषाणु बोलते हैं। और वायरस शब्द बना किससे है, तो लैटिन से बना जिसका मतलब वीनम या पॉइजन होता है। आपसे पूछ सकता है कि वायरस जो शब्द है वो किस भाषा से उसका उदय हुआ, या वायरस जो है वो किस शब्द से बना हुआ, तो लैटिन से बना हुआ है, इसका मतलब वीनम या पॉइजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, फादर ऑफ वायरोलॉजी पूछता है कि विषाणु विज्ञान, ऐसे भी पूछ देता है विषाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, विषाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो स्टैनले को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्टैनले को। जो स्टैनले हैं उन्हें विषाणु विज्ञान या फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। वायरोलॉजी होती क्या है, वो साइंस की वो शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं, उसे वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन PGT में बन चुका है, उसने पूछा था कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम। देखिएगा, कॉन्टेजियम दूसरा शब्द आया, वीवम तीसरा शब्द आया, फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम किसने दिया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम किसने दिया था, तो वेंजेरिक ने दिया था। किसने दिया था, वेंजेरिक ने दिया था, या वेंजेरिक भी बोलते हैं, तो इन्होंने दिया था, वेंजेरिक ने दिया था 1898 में, या कहीं कहीं हिंदी में लिखेंगे तो विंजेरिक लिखा रहता है। विंजेरिक ने 1898 में कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम एक शब्द सुझाया था। और इस कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम का मींस क्या होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है,
तो इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड। इनका कहना था कि जो विषाणु होते हैं या वायरस होते हैं वो एक इस प्रकार का तरल पदार्थ है जो इन्फेक्शन या संक्रमण फैलाता है, उनका ये कहना था। उसके लिए उन्होंने विशेष शब्द दिया था कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम किसने दिया, तो आपको टिक करना है विंजेरिक ने कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम पहली बार दिया था। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं आइवोनोवास्की। आइवोनोवास्की ने 1892 में डिस्कवर्ड वायरस टीएमवी, टोबैको मोजिक वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजिक वायरस। टीएमबी की खोज किसने की थी, कई बार पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन बना है, तो आइवोनोवास्की नाम के वैज्ञानिक ने 1892 में वायरस या विषाणु की खोज की थी। कौन सा? टीएमबी, टोबैको मोजिक वायरस की पहली बार खोज की थी। फिर इसी टोबैको मोजिक वायरस को स्टेनले ने, जिनको फादर ऑफ वायरोलॉजी कहता है, क्रिस्टलाइज किया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि वो वैज्ञानिक कौन सा जिसने पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइज किया, छोटे छोटे क्रिस्टल में बना दिया, तो वो थे हमारे स्टेनले। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया था। एक क्वेश्चन खूब पूछते हैं, केमिकल नेचर ऑफ वायरस, विषाणु या वायरस का केमिकल नेचर किसने बताया था? यह किसने बताया था कि जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं? ये किसने बताया था कि वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं? ये पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर ने कई बार पूछा गया है, वायरस किसके बने होते हैं? वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, कौन कौन? डीएनए और आरएनए। ये दो प्रकार, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन, या तो डीएनए या तो आरएनए और प्रोटीन, इनके मिलने से वायरस बने होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। तो ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस किसके बने होते हैं, तो आपको टिक करना है न्यूक्लियो प्रोटीन के। ये किसने बताया था कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने थे? तो बाउडेन, किसने बताया था? BAWDEN, बाउडेन, और पेरी ने, PIRIE, पेरी ने 1937 में बताया था कि जो विषाणु होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। वायरस की परिभाषा के, वायरस आर इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन। ये कहा जाता है कि जो विषाणु होते हैं वो इस प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन हैं जो कि संक्रमण फैलाते हैं। अगर आपसे पूछे वायरस क्या है, तो आप पूछेंगे वायरस आर इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन, इस प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन जो रोग फैलाता है या संक्रमण फैलाता है, उसे हम विषाणु के नाम से या वायरस के नाम से जानते हैं, अगर जनरली आपसे पूछ दे वैज्ञानिक भाषा में। वायरस कनेक्टिव लिंक है, ये बहुत क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जाता है कि कनेक्टिव लिंक सजीव और निर्जीव, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, सजीव व निर्जीव के बीच कि संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? वायरस कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच के क्वेश्चन कहता है, पीजीटी और टीजीटी में और जीआईसी आदि में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसमें कहते हैं, या इनमें से वह कौन है जिसमें सजीव और निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं। आपको वहां विषाणु लिखा रहेगा अगर हमारे हिंदी वाले मित्र है, नहीं तो वायरस लिखा रहेगा, आपको इसे टिक करना है। वायरस में सजीव के बीच लक्षण पाए जाते हैं, यहाँ आप उल्टा थोड़ा लिख लिया, ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है और ये हमारे लिविंग कैरेक्टर है। आखिर हम विषाणु को ये क्यों कहते हैं कि वायरस जिंदा भी है, कोई कहता है वायरस निर्जीव है, कोई कहता है वायरस सजीव है, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं? तो इनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लक्षण। वह लक्षण क्या करते हैं? सजीव की तरह भी लक्षण दिखाता है और निर्जीव की तरह भी लक्षण दिखाता है। तो अगर हम नॉन लिविंग कैरेक्टर देख लें, यानी हम वो कौन से लक्षण है जिनके आधार पर हम ये ताल ठोक कर कह सकते हैं कि वायरस निर्जीव है, क्योंकि इनमें नो प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का अभाव होता है, नो एंजाइम, एक तो कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, और क्या नहीं पाया जाता, नो रेस्पिरेशन, श्वसन भी नहीं होता। जनरली हम लोग ये मानते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं, श्वसन भी नहीं पाया जाता। इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता, क्रिस्टल में बदला जा सकता है। डू नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम, और जो हम कल्चर जैसे बैक्टीरिया आदि है उनको हम संवर्धन में
संवर्धन मीडियम में, कल्चर मीडियम में ग्रो करा सकते, तो वायरस को हम ग्रो नहीं करा सकते। इन लक्षणों के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि जो विषाणु है या वायरस है वो निर्जीव है। भाई जो सांस नहीं ले सकता है, हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते, ना तो उनमें जीव द्रव्य पाया जा रहा है, ना एंजाइम पाए जा रहे हैं, ना तो ऑर्गन्स अंग पाए जा रहे हैं, ना तो माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट कुछ भी नहीं पाया जा रहा, ना राइबोसोम पाया जा रहा, कुछ भी नहीं, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स कोई करैक्टर है ही नहीं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जो विषाणु या वायरस है, वायरस आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो विषाणु है वो निर्जीव है। मगर कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि जो विषाणु है वो सजीव है। कौन सा? कंटेन न्यूक्लिक एसिड, चूंकि इनमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए, और डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो पाया जाना ये करेक्टर है सजीव का। किसका है? सजीव का। मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल, जब ये होस्ट के अंदर होते हैं, किसी भी जीव के अंदर होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, द्विगुणन करते हैं, तो ये लक्षण है सजीवों का। देखिए जो सजीव होता है वो अपनी जैसी प्रतिकृतियों को उत्पन्न कर सकता है। अब टेबल है, मेज है, मान लेते हैं ये हमारा जो पोडियम है, ये अब ये तो ऐसा है नहीं कि ये आज हम इसको एक रखें, सुबह हो तो ये दो हो जाए, तो ये निर्जीव है। काज डिजीज और रोग को फैलाते हैं। ये लक्षण जो है इस आधार पर कह सकते हैं कि जो विषाणु या वायरस है वो सजीव है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस का वर्गीकरण किसने दिया, वायरस का जो वर्गीकरण किसने दिया, यफ ओ होल्म्स ने, किसने दिया था, यफ ओ होल्म्स ने वायरस का वर्गीकरण दिया। इन्होंने ऑर्डर एक बांटा वायरल्स, एक ऑर्डर बांटा जिसको बोलते हैं वायरल्स, एक ऑर्डर केवल बांटा वायरल्स, वायरल्स को तीन भागों में बांटा, फाइटोफाइजिनी, सॉरी थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है, देखते हैं किसमें बांटा, फाइटोफाइजिनी, फाइटोफाइजिनी क्या, जहां फाइटो शब्द लगा है ऐसे वायरस जो प्लांट वायरस है, कैसे वायरस है, प्लांट वायरस, ऐसे विषाणु जो पौधों में पाए जाते हैं उनको फाइटोफाइजिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोफाइजिनी। जैसे कि आपके पपीता में पाया जा रहा है, मान लो कल डिजीज आप पपाया की बात करें तो वो वायरस के द्वारा हो रहा है तो वो हो गया, या नींबू के पौधे पर कोई वायरस पाया जा रहा है तो वो फाइटोफाइजिनी में आएगा। जू फाइजिनी में किसको रखा गया, जू मीन्स यहाँ एनिमल से है, एनिमल वायरस जितने भी, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो चिकन पॉक्स का वायरस है, हार्पीस का वायरस है, ये सब जीवों में पाया जा रहा है, जंतुओं में पाया जा रहा है, तो ये सारे किसके अंतर आएंगे, जू फाइजनी के अंतर आएंगे। और फाइजनी कौन से वायरस है, जो बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं उनको हम फाइजनी के नाम से जानते हैं। फिर एक वर्ड आता है क्रिप्टोग्राम्स, क्या होता है, ध्यान रखिएगा क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है, गिवन बाय गिब्स एंड हैरिसन, किसने दिया था, तो गिब्स एंड हैरिसन ने 1968 में वायरस का मतलब डिस्क्रिप्शन के लिए या वायरस के विवरण के लिए एक विशेष प्रकार का कोड दिया जिसे हम क्रिप्टोग्राम के नाम से जानते हैं। क्रिप्टोग्राम एक लाइन का एक कोड होता है जिसके आधार पर किसी भी वायरस के पूरे लक्षणों को हम विस्तृत में बता सकते हैं। हमें पूरा याद नहीं करना है, केवल क्रिप्टोग्राम का जो फार्मूला होता है वो याद करेंगे, वो वायरस के बारे में बता देता है। इसमें क्या होता है, क्रिप्टोग्राम में यूज फोर पेयर नेम, चार पेयर नाम होते हैं। पहले पेयर में क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हम यहाँ क्रिप्टोग्राम ले लेंगे, ये देखिए एक टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिप्टोग्राम है, यहाँ लिखा है R1, क्या लिखा, R1, R1 में मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये R क्या दिखा रहा है कि जो टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, क्या होता है, आरएनए। और फिर और क्या दिखा रहा है, न्यूक्लिक एसिड कैसी है, सिंगल स्ट्रैंड है, वन लिखा है तो ये कैसी है, सिंगल स्ट्रैंड है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे क्या दिखा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड मिलियन एंड परसेंटेज, क्या दिखा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट 200,000 है, कितने परसेंटेज होता है, 5% होता है। थर्ड में क्या दिखा रहा है, सेफ ऑफ वायरस कैप्सिड सेप, तो ये कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है, कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है। फिर फोर्थ पेयर में क्या दिखा रहा है, टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्शन टाइप ऑफ वेक्टर, तो ये क्या होता है, टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है,
टाइप ऑफ पोस्ट इन्फेक्शन किस प्रकार से करता है और टाइप ऑफ वेक्टर इसको भी ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमें आपको बता रहा है। तो चलो फिर से हम आपको बता दें, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दें। तो ये आर का मतलब हुआ आरएनए और ये का मतलब हुआ सिंगल स्ट्रैंड। फिर ये क्या हुआ, मतलब इसका मतलब होता है जिसका मॉलिक्यूलर जो वेट है न्यूक्लिक एसिड का 2 in 100,000, ध्यान रखिएगा क्या है 2 in 100,000। 5 का मतलब क्या है, ये 5% पाया जाता है। इस ई का मतलब क्या है, ये वायरस इलॉन्गेटेड होता है। तो आप सब जानते हैं इसका जो वायरस होता है वो रॉड शेप्ड होता है। कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। अगर हम इस ई की बात करें तो इसका मतलब, इस ई से जो मतलब है उसका मतलब है कि जो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है वो भी कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है। इलॉन्गेटेड यानी लंबा होता है। इस यस का मतलब क्या है, ये स्पर्मोफाइट में पाया जाता है, स्पर्मोफाइट में पाया जाता है यानी ये वायरस बीज वाले पौधों में पाया जाता है। इस ए का मतलब क्या हुआ, ये जो ए है इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बाय एयर, ये हवा के द्वारा फैलता है। इससे क्या पता चला, हवा के द्वारा फैलता है। अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस का क्रिप्टोग्राम दिया है तो आर का मतलब हुआ, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए होता है। इस एक का मतलब हुआ सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड, एक धागे वाला होता है। अगर हम दूसरे की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट जो न्यूक्लिक एसिड का होता है 2 या 3 होता है। क्या होता है, 2 से 2 या 3 100 होता है। और स्टेन का जो मतलब है वो हुआ कि इसकी न्यूक्लिक एसिड 10% पाई जाती है। कितनी न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, 10%। इस यस का मतलब क्या हुआ, इस यस का मतलब हुआ इसका जो साइज होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और इस ई का मतलब हुआ जो इसमें न्यूक्लिक एसिड है यानी आरएनए है वो इलॉन्गेटेड होता है, इलॉन्गेटेड लंबवत होता है। इस वी का मतलब क्या हुआ, इस वी का मतलब हुआ कि होस्ट वर्टिब्रेट में पाया जाता है। होस्ट किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट में पाया जाता है यानी कशेरुकी में पाया जाता है। इस ए का मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन बाय एयर, ये हवा के द्वारा फैलता है। तो ये हमारा क्रिप्टोग्राम्स था, एक लाइन का होता है, उससे हमें पूरे जितना भी विषाणु होता है उसके सारे करेक्टर्स का पता चल जाता है। तो क्रिप्टोग्राम समझ में आ गया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिप्टोग्राम किसने दिया। तो क्रिप्टोग्राम देने का श्रेय जो जाता है गिवन बाय द गिब्स एंड हैरिसन ने 1968 में दिया। इसमें पूछ सकता है कितने पेयर नाम होते हैं, 4 जोड़े होते हैं। पहले पेयर में न्यूक्लिक एसिड देता है, सेकेंड में मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियन एंड परसेंटेज दिया रहता है। थर्ड पेयर में शेप ऑफ वायरस और कैप्सिड का शेप दिया रहता है। फोर्थ पेयर में टाइप ऑफ पोस्ट इन्फेक्शन एंड टाइप ऑफ वेक्टर दिया रहता है, किसके द्वारा फैलता है। फिर वायरस की बात करते हैं, इनका साइज क्या होता है, इनका साइज की बात करें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वायरस होता है, सबसे छोटा वायरस होता है फूट एंड माउथ डिजीज वायरस होता है। फूट और माउथ डिजीज का जो विषाणु होता है वो 10 माइक्रो का होता है। तो हम ऑप्शन ये करेंगे, अगर सबसे छोटा पूछेगा कि इनमें से सबसे छोटा वायरस कौन सा है, फूट एंड माउथ डिजीज वायरस लिखा रहेगा जिसको टिक कर कहेंगे। अगर आपसे पूछता है सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा है या इनमें से सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस को हम वायरियोला के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम पीजीटी में क्वेश्चन बना है कि सबसे बड़ा वायरस कौन है, तो वायरोला सर दिया रहता है, वायरोला टिक करेंगे। वायरोला ना दिया रहेगा तो स्मॉल पॉक्स वायरस दिया रहेगा जो कि 250 माइक्रोमीटर का होता है। शेप की बात करें, वायरस किस किस शेप के होते हैं, तो ब्रिक्स एक ईंट के आकार के, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है वो ईंट के आकार का होता है। तो इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा इनमें से ब्रिक्स शेप्ड वायरस कौन सा होता है, तो आप वहां टिक जो करेंगे वहां टिक करेंगे स्मॉल पॉक्स वायरस को। स्फेरिकल गोलाकार वायरस कौन सा होता है, तो इन्फ्लुएंजा जिससे हमें जुकाम होता है वह वायरस स्फेरिकल होता है, अर्थात इस तरह गोल होता है। रॉड शेप्ड अगर पूछेगा, रॉड शेप्ड वायरस इस तरह का जो वायरस होता है, ये इस तरह का जो वायरस होता है ये कौन सा होता है, तो टीएमबी टोबैको मोज़िक वायरस। टैडपोल लाइक अगर वायरस पूछेगा तो बैक्टीरियोफेज को टिक करना है। ये हमने वही वायरस लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछता है।
फिर पूछता है केमिकल कंपोजिशन, वायरस बने किसके होते हैं, विषाणु आखिर बने किसके होते हैं, तो विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, इनका जो वायरस का कोर, एग्जाम में पीजीटी और टीजीटी आदि में क्वेश्चन पूछता है कि वायरस का कोर किसका बना होता है, यानी मध्य वाला भाग किसका बना होता है, वो डीएनए अथवा आरएनए, या तो न्यूक्लिक एसिड दिया होगा या डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का पहले भी बता चुके हैं, डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो कोर जो वायरस का या विषाणु का जो कोर होता है वो डीएनए या आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो प्रोटीन भाग होता है उसे कैप्सिड कहते हैं, यानी मान लेते हैं ये डीएनए है, इसके ऊपर ये खोल है, तो ये खोल को हम बोलेंगे कैप्सिड और अंदर वाले भाग को हम बोलेंगे कोर। और ये किसका बना है, या तो ये डीएनए का बना होगा या फिर अथवा आरएनए का बना होगा। ये हमारा हो गया क्या, वायरस। ये क्या हो गया, एक विषाणु। विषाणु में केवल दो ही चीजें होती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन वाले भाग को कैप्सिड। ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है कि जो प्रोटीन वाला भाग होता है वायरस का उसे क्या कहते हैं, उसे कैप्सिड के नाम से जानते हैं। फिर आप एक बार और क्वेश्चन बन चुका है, कैप्सिड की इकाई क्या होती है, कैप्सिड किसका बना होता है, कैप्सिड कैप्सोमियर का बना होता है, यानी कैप्सिड की इकाई कैप्सोमियर होती है। फिर एनिमल जो वायरस होते हैं, यानी जो जंतुओं के विषाणु होते हैं, जनरली कंटेन डीएनए, इनमें प्राय डीएनए पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, डीएनए। मगर कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, यानी ऐसे केस हैं जो इस चीज को झुठलाते हैं। एक्चुअली में जो मैक्सिमम वायरस बने होते हैं एनिमल वायरस, आपसे पूछेगा एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, तो आप लिखेंगे डीएनए, डीएनए को टिक करेंगे। मगर एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि अभी पीजीटी केस में भी एक क्वेश्चन पूछा था, इन्फ्लुएंजा वायरस है तो एनिमल वायरस, मगर ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, यस यस का मतलब है सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इस यस यस का मतलब है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जबकि है एनिमल वायरस। राउस सार्कोमा जो वायरस होता है इसमें सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। एड्स का जो वायरस होता है, कई बार पीजीटी में ये क्वेश्चन बन चुका है, एड्स के वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो सिंगल स्टैंड आरएनए, एक एक धागे वाला आरएनए पाया जाता है। इसे एड्स वायरस को हम रेट्रो वायरस के भी नाम से जानते हैं। पीजीटी में कई बार पूछा गया कि इनमें से रेट्रो वायरस कौन है, तो एड्स वायरस को टिक करना है। पोलियोमाइलाइटिस जो वायरस होता है, पोलियोमाइलाइटिस जो विषाणु होता है उसका भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंड यानी एक धागे वाला आरएनए होता है। रियो वायरस जो होता है, रियो वायरस जो होता है वो उसमें डबल स्टैंड दो धागे वाला आरएनए होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हम आपको एक्सेप्शनल केस बता रहे हैं ये 110% इंपॉर्टेंट वाले हैं जो एग्जाम में रखे मिलते हैं। फिर आता है बैक्टीरियोफेज, जनरली डीएनए। बैक्टीरियोफेज में प्राय डीएनए पाया जाता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा था, प्रोफेसर में पूछा था जीडीसी में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्जाम होता है यूपी पीएससी के द्वारा, उसमें पूछा था कि इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल है, एमएस2 बैक्टीरियोफेज का एक नाम है, बैक्टीरियोफेज एमएस2 में आरएनए पाया जाता है, F2 बैक्टीरियोफेज F2 में भी आरएनए पाया जाता है, R17 बैक्टीरियोफेज में भी आरएनए पाया जाता है, तो इन सब में आरएनए देखने को मिलता है। इनको छोड़कर जितने बैक्टीरियोफेज हैं सब में जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन तीन को अगर छोड़ दें, इन तीनों में है तो ये बैक्टीरियोफेज, ध्यान रखिएगा ये है तो बैक्टीरियोफेज ही, विषाणु जीवाणु भोजी इनको क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी, ये हैं तो जीवाणु भोजी, मगर जनरली जीवाणु भोजी में डीएनए पाया जाता है, मगर ये तीन ऐसे हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है। जनरली डीएनए डबल स्टैंड, इनमें बैक्टीरियोफेज में प्राय जो डीएनए होता है दो धागों वाला होता है, डबल स्टैंड होता है, मगर एक्सेप्शनल केस है, हमसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में आयोग में पूछा गया था कि वो वायरस कौन सा है बैक्टीरियोफेज जिसमें सिंगल स्टैंड डीएनए पाया जाता है, एक धागे वाला डीएनए पाया जाता है, तो ये क्या है, फाई यक्स 174, ध्यान रखना फाई यक्स 174 जो बैक्टीरियोफेज है उसमें सिंगल स्टैंड डीएनए एक धागे वाला डीएनए पाया जाता है। उसके अलावा यस
ई कोलाई जो फेज है उसमें भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन इतना फेवरेट है कि लगभग हर साल पीजीटी टीजीटी में पूछता है कि इनमें से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसमें पाया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन 5X174 दिया रहता है जिसको टिक करना है। फिर से सुन लीजिए, बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंड दो धागों वाला डीएनए पाया जाता है, मगर 5X174 एक ऐसा वायरस है जिसमें एक धागे वाला डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। यस, 3 ई कोलाई फेज में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, ध्यान रखिएगा, जनरली आरएनए एक धागे वाला होता है, मगर कुछ एक्सेप्शनल वायरस है जैसे कि रियो वायरस में डबल स्ट्रैंड आरएनए दो धागों वाला आरएनए पाया जाता है, वुंड ट्यूमर वायरस में भी दो धागों वाला, राइस ड्वार्फ वायरस में दो धागों वाला आरएनए देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि एक्सेप्शनल है। अगर हम कैप्सिड की बात करते हैं, सम मैमेलियन वायरस, जितने भी कुछ मैमेलियन वायरस होते हैं, कंटेन एनोदर मेम्ब्रेन, उनके ऊपर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन या मेंटल बोलते हैं। दीज टाइप वायरस नोन एज द लिपो वायरस, ऐसे वायरस को हम लिपो वायरस के नाम से जानते हैं। अब नया टॉपिक आता है हमारा बैक्टीरियोफेज। तो अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो अब चूंकि ये यूट्यूब पर आ जाएगी, ये सारी जो क्लासेस हैं ये हमारे ऐप पर अवेलेबल है, थ्योरी क्लासेस ऐप पर। यूट्यूब पर कोई भी थ्योरी क्लास अवेलेबल नहीं है। आज मन में आया तो एक थ्योरी क्लास आपके लिए, एक छोटी सी थ्योरी क्लास हमने कहा यूट्यूब पर भी आपको डाल दें। प्रायः यूट्यूब पर कोई भी थ्योरी क्लास आपको अवेलेबल नहीं होगी, केवल बीच बीच की एमसीक्यू क्लासेस अवेलेबल करते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और एक छोटी सी मेंबरशिप लीजिए। मैं वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी जॉब पक्की है। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।